कांग्रेस क्यों निर्वाचन खेल कांग्रेस हाथ धन अभाव घटी से रेलर टिकट कांग्रेस हाथ धन ना निर्वाचन प्रचार चलो कांग्रेस हाथ ना धन जार बार चिंतित कांग्रेस नेतृत्व क्यों कांग्रेस एकाउंट फ्रीज कर पाते चिंतित राहुल गांधी आम विशेष खबर जी निर्वाचन समागत लोकसभा निर्वाचन पूर्वे महाविपदत कांग्रेस निर्वाचन प्राक्षण धन अभाव कांग्रेस दुरवस्था रेलर टिकट क्रय धन ना कांग्रेस विज्ञापन दी निर्वाचन प्रचार चलो कांग्रेस हाथ ना धन धन अभाव एठाईर आन ठाईरा ना कांग्रेस नेता कांग्रेस बैंक एकाउंट फ्रीज कर दुख प्रकाश कर राहुल गांधी कांग्रेसक दुर्बल पंगु कर षड़ रचा राहुल गांधी मंत्य कर भारत गणतान्क व्यवस्था नोहवा हर अभियोग तुलिसे राहुल गांधी निर्वाचन आयोग सहय लाभ ना कांग्रेस मंत्य कर राहुल गांधी देशों 20% लोकक प्रतिनिधित्व कर विरोधी दलटक प्रतारणा कर संबद माध्यम सोनिया गांधी राहुल गांधी क्षोभ प्रकाश कर और निर्वाचन प्राक मुहूर्त यह धनर दुरवस्था कांग्रेस नेतृत्व तरफ स्पष्ट रूप से क्यों हाथ रेलर टिकट कन ना केवल इमान नज्ञापन दी निर्वाचन प्रचार चलो धन ना जीतु निर्वाचन समागत निर्वाचन प्रचार में राजनैतिक दल व्यस्त हो जी समय राजनैतिक दल निर्वाचन प्रचार चलो व्यस्त होते धनर अभाव चिंतित कांग्रेस क्यों निर्वाचन खेल निर्वाचन प्रचार चलो कांग्रेस हाथ धन ना कांग्रेस नेता एक ठाईर आन ठाई निर्वाचन प्रचार चलो जाबा ना क्यों धन अभाव कांग्रेस जी लोकसभा निर्वाचन समागत इतिम्य निर्वाचन तारीख घोषणा कर देश सतटक पर्यायर हम निर्वाचन और तार पूर्वे कांग्रेस महाविपद देख गई है विज्ञापन दी निर्वाचन प्रचार चलो कांग्रेस हाथ एटकाओ ना और जार बार राहुल गांधी सोनिया गांधी संबद माध्यम सम्मुख क्षोभ प्रकाश कर प्रधान विरोधी दलटक महाप्रतारणा कर अभियोग तुलिसे राहुल गांधी कांग्रेसक दुर्बल पंगु कर षड़ रचा राहुल गांधी मंत्य कर भारत गणतान्क व्यवस्था नोहवा हर अभियोग तुलिसे राहुल गांधी निर्वाचन आयोग सहय लाभ ना कांग्रेस देशों 20% लोकक प्रतिनिधित्व कर विरोधी दलटक प्रतारणा कर मंत्य कर और तार पाशते संबद माध्यम क्षोभ प्रकाश कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी आम विशेष खबर विज्ञापन दी कांग्रेस हाथ धन ना जी निर्वाचन समागत निर्वाचन लगेगे राजनैतिक दल निजर प्रचार चलए विज्ञापन दिए समित प्रार्थी व्यापक निर्वाचन प्रचार चलए जी समय बीजेपी दले माराथन निर्वाचन प्रचार व्यस्त आए समयते शेहतिया खबर अनुसरी कांग्रेस हाथ एटकाओ ना रेलर टिकट क्रय धन ना विज्ञापन दी धन ना निर्वाचन प्रचार चलो धन ना धनर अभाव एठाईर आन ठाईर ना कांग्रेस नेतए और कांग्रेस बैंक एकाउंट फ्रीज कर दुख प्रकाश कर राहुल गांधी यह मुहूर्त राहुल गांधी मंत्य आए मंत्य शुन एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए आप सोचिए आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए होता क्या है एकदम खत्म हो जाता है अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया भूखे मर जाते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने हिंदुस्तान की संस्था ने किसी कोर्ट ने किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा सब ड्रामा देख रहे हैं 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते और क्यों 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इश्यू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जब इनकम टैक्स ये दिखाना मुझे जरा सॉरी क्या 200 करोड़ जब इनकम टैक्स साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन मिलेगा लगेगा तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन है जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन मानते हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो वो इसके बारे में कुछ करें और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है
यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें, कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए, 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इश्यू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या, 200 करोड़। जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन मिलेगा लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हों।